Hello friends, first of all welcome to my YouTube channel. Friend, this video is all about YouTube channel advanced feature. Friends, मैंने आपको last video में भी बताया था कि जो YouTube channel के अंदर channel का जो menu है, channel menu के अंदर आप advanced feature में जाकर अपने YouTube channel के keywords, selecting keywords को insert कर सकते हैं. Friends, इसके अलावा भी ना channel के advanced feature के अंदर हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे YouTube channel के अंदर recommendations better हो सकती हैं. हमारे YouTube चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस मिल सकती हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में बताता हूँ. जैसे फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल मेन्यू के अंदर एडवांस फीचर में गए, सबसे पहले आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के जितने भी नंबर ऑफ कीवर्ड्स थे या जो भी कीवर्ड्स आपको बेस्ट लगते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो आप लोगों ने इंसर्ट कर दिए. उसके बाद फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आप लोगों ने ना गूगल वेब मास्टर टूल से किसी अपनी एक वेबसाइट को अप्रूव करवा रखा है. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को गूगल वेब मास्टर टूल के बारे में भी पढ़ना हो तो मेरी एक वीडियो है यूट्यूब चैनल में, मैं अपनी इस वीडियो के साथ उस वीडियो को भी एंगेज कर दूंगा ताकि गूगल वेब मास्टर टूल की हेल्प से आप लोग अपनी वीडियो, अपनी वेबसाइट को कैसे अप्रूव करवा सकते हैं वो भी आप सीख सकते हैं बहुत इजीली. बहुत सा सिंपल सा वे है, कोई इतना टिपिकल वे नहीं है. तो गूगल वेब मास्टर टूल से अगर आपने अपनी किसी भी वेबसाइट को अप्रूव करवा रखा है तो आप अपनी उस वेबसाइट को भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. और वहाँ पर एसोसिएट का एक लिंक भी आपको मैंशनड होगा, आप उसके अंदर सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है और सक्सेस पर क्लिक करना है. अगर आपका गूगल वेब मास्टर टूल से प्रॉपर आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी तो वहां पर आपकी वेबसाइट भी सक्सेस हो जाती है. ये वेबसाइट की जो सक्सेस है फ्रेंड्स, एंड स्क्रीन एंड एनोनेशन में बहुत काम आती है, क्योंकि एंड स्क्रीन एंड एनोनेशन में व्हेन वी वांट कि हम लोग अपना फोर्थ एलिमेंट अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम अपनी वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं एंड स्क्रीन एनोनेशन की हेल्प से. सेकेंड फ्रेंड्स, एडवांस में जो फीचर है वो ये है कि जो आपका यूट्यूब चैनल के अंदर आपके जो सब्सक्राइबर है ना फ्रेंड्स, आप कई बार लोग क्या करते हैं, वो सब्सक्राइबर का जो काउंट होता है ना कि उनके कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हुए हो चुके हैं, वो ना पब्लिकली शो नहीं करना चाहते. तो अगर फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिस्ट को पब्लिकली शो नहीं करना चाहते, कि आप लोग नहीं बताना चाहते कि भैया आपके YouTube चैनल पर कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उनको भी अनेबल और डिसेबल का फीचर भी आपको एडवांस फीचर में ही मिल जाएगा. फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपकी चैनल के रिकमेंडेशंस. फ्रेंड्स, चैनल रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूट्यूब चैनल. बाय डिफॉल्ट जो हमारी चैनल रिकमेंडेशंस होती हैं वो अनेबल होती हैं. चैनल रिकमेंडेशन एक्चुअल में होता क्या है फ्रेंड्स, चैनल रिकमेंडेशन ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल दूसरों के यूट्यूब चैनल के साथ रिकमेंडेशन में आए तो आप उसको हमेशा अलाउ करके रखिए. अगर आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल के साथ रिकमेंडेड ना हो तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए. बट फ्रेंड, बेटर ये रहता है आपकी यूट्यूब प्रमोशन के लिए, आपका जो रिकमेंडेड मतलब चैनल है वो हमेशा अलाउ होना चाहिए और वो हमेशा अनेबल होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वीडियोज़ है ना, जब एक अच्छे लेवल पे प्रमोट होना स्टार्ट होंगी तो किसी ना किसी अच्छे यूट्यूब चैनल के नीचे आपकी वीडियोस रिकमेंडेड वीडियोस में आना स्टार्ट हो जाती हैं. फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप लोगों ने सपोज कीजिए गूगल एडवर्ड्स के ऊपर अकाउंट बना रखा है, पहले मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स गूगल एडवर्ड्स क्या होता है. गूगल एडवर्ड होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने यूट्यूब चैनल को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हैं फॉर अर्निंग, ऐसे फ्रेंड्स अगर हम लोग गूगल को कुछ पे आउट करना चाहते हैं कि भैया हमारे जो प्रोफाइल है यूट्यूब का या हमारा जो वेबसाइट्स है उसमें हम लोगों को एक अच्छी रैंकिंग चाहिए या हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में व्यूज़ लाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग गूगल एडवर्ड्स की फैसिलिटी को यूज़ करके गूगल को पे करके भी अपने यूट्यूब की फैसिलिटी को या अपने यूट्यूब के चैनल को बहुत अच्छे लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये एक पेइंग वे है जिसमें आप गूगल एडवर्ड्स को कुछ पे करके जितना भी अमाउंट आप पे करना चाहते हैं और आप अपनी वीडियोज़ को उसके अंदर ऐड करके अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपने गूगल एडवर्ड्स अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं. आप एडवांस फीचर के अंदर आप लोगों को गूगल एडवर्ड्स का ऑप्शन भी जरूर मिलता है. तो फ्रेंड्स, एडवांस जो फीचर है ना वो यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत अच्छा फीचर है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को एसोसिएट कर सकते हैं, एडवर्ड्स अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, सब्सक्राइबर के अकाउंट को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, अपने चैनल की रिकमेंडेशन को अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने चैनल के कीवर्ड्स को आप प्रॉपर इंसर्ट कर सकते हैं जितने भी कीवर्ड्स आप चाहें अपने यूट्यूब चैनल के लिए. फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो जो थी वो चैनल के एडवांस फीचर के बारे में थी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच.